all of you doing so well. पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो लाजमी देखें. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव अल्फा मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज अल्फा मैट्रिक्स. बेसिकली नेगेटिव अल्फा मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव अल्फा मैट्रिक्स होता यह है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें उसका नेगेटिव लेना है तो हमने करना यह है उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हमने मैट्रिक्स ए का लेना है नेगेटिव. तो हमने करना यह है कि मैट्रिक्स ए को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद किसी इस मैट्रिक्स के अंदर जो नेगेटिव साइन है ये चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव साइन के अंदर, और जो पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ. तो जो मैट्रिक्स ए है इसका नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा 1-2-4. अब हम देखते हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनका नेगेटिव क्या होगा. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 1, 0, -1. हमने इसका लेना है नेगेटिव. तो जैसे मैंने पहले बताया कि नेगेटिव लेते हुए हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर देना है नेगेटिव साइन के साथ. तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए का नेगेटिव आएगा वो आएगा -1, 0, 1. इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है इसके अंदर अगर हम देखें तो माइनस बी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स बी को तो इसका जो नेगेटिव आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -3, -2, 1, -1. यानी मैट्रिक्स बी के अंदर जो पॉजिटिव साइन है ये चेंज हो जाएंगे नेगेटिव साइन के अंदर, और जो नेगेटिव साइन है ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन के अंदर. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है अगर हम इसका नेगेटिव फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस के साथ. अगर हम सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो नेगेटिव आएगा वो आएगा -2, -3, -6, -2. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी के दो पार्ट्स हैं इसका भी हम नेगेटिव मालूम कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है. बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज को कॉलम में चेंज कर देना उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखें. इस ये जो एलिमेंट है जो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है. तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा. जो कॉलम एलिमेंट्स है इनको हमें चेंज कर देना है रो एलिमेंट के अंदर. तो 0, 1, -2 ये इसका ए का ट्रांसपोज आ जाएगा. इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है. तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 5, 5, 1, -6. यानी कि जो रो मैट्रिक्स है इनको हमें चेंज कर देना है कॉलम मैट्रिक्स के अंदर. इसी तरह जो सी पार्ट है इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो सी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 2, -1, 3, 0. यानी कि जो रो एलिमेंट्स हैं इनको हमने चेंज कर देना है कॉलम एलिमेंट्स में. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट है इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 0, 5. इसी तरह जो ई पार्ट है इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ई का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2, 3, -4, 5. यानी कि जो रो एलिमेंट्स हैं इनको हमने चेंज कर देना है कॉलम एलिमेंट्स में, और जो कॉलम एलिमेंट्स हैं इनको हमने चेंज कर देना है रो एलिमेंट्स में. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो एफ पार्ट है इसका ट्रांसपोज आपने खुद लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. हमने साबित करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रूज हैं या फॉल्स हैं.
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है और साथ ही कुछ स्टेटमेंट हैं। अगर पहली स्टेटमेंट देखें तो इसके अंदर हमें पूछा गया है, हमने साबित ये करना है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, इसका जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लें, तो जो आंसर आएगा वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो अगर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ए का हमने लेना है ट्रांसपोज, तो जो ए मैट्रिक्स है इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, जो रो मैट्रिक्स है इसको हमने चेंज कर देना है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम एलिमेंट्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1। इसका जब हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, ए का जो ट्रांसपोज आया है इसका हमने क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो ये हमारे पास आएगा 1 0 2 1। अब अगर हम देखें तो जो लेफ्ट हैंड, इसकी जो राइट हैंड साइड है ए मैट्रिक्स हमारी जो गिवन है 1 2 0 1, जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आया है वो क्या आया है 1 2 0 1, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है इसकी, इसके अंदर हमसे पूछा गया है बी का ट्रांसपोज ले, जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज ले, जो इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के अंदर, बी के इक्वल आएगा। इसी तरह जो बी पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है, हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम बी का ट्रांसपोज ले, इसका जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज ले, तो वो बी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, हमने करना यह है कि बी का ट्रांसपोज लेना है, तो बी का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास आता है 1, यानी कि 1 1, ये जो कॉलम एलिमेंट रो एलिमेंट्स हैं इनको हम अगर चेंज कर दें कॉलम एलिमेंट्स में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1, और 2 हमारे पास इधर आ जाएगा 2 0, ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेना है, बी ट्रांसपोज इसका अगेन ट्रांसपोज, वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 0। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है बी, अगर हम देखें 1 1 1 1 2 0 2 0, यानी कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये था एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और क्लास 10th की एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल के एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।